please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुंबई के पास ठाणे में एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता पानी से भरे एक गड्ढे के ऊपर चादर बिछाने लगे। गड्ढों में गिरने की वजह से कल्याण में बीते एक हफ्ते में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसके विरोध में ये लोग प्रशासन के खिलाफ सड़क पर उतरे और पानी से भरे गड्ढों पर चादर बिछाकर उसके ऊपर लेट गए। प्रदर्शन कर रहे एमएनएस कार्यकर्ताओं ने कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। इसी बीच वहां कुछ पुलिस वाले पहुंचे और जमीन पर लेटे कार्यकर्ताओं को उठाकर अपने साथ ले जाने लगे। असल में कल्याण में गड्ढों में गिरने से अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। 5वीं मौत कल्पेश नाम के लड़के की हुई, जो गड्ढे में गिरने के बाद एक ट्रक की चपेट में आ गया। इन हादसों के बाद पीडब्ल्यूडी मंत्री एकनाथ शिंदे ने कार्रवाई का भरोसा दिया। आज दुर्भाग्य से फिर एक बार घटना घटी है और इसलिए कमिश्नर साहब से मैंने कहा है कि तुरंत जो जिसने लापरवाही की है, जो अधिकारी इसमें दोषी है, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने की सूचना मैंने दी थी। इलाके के लोगों का दावा है कि गड्ढों के मरम्मत के लिए कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई, लेकिन आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही ने 5 लोगों की जान ले ली। राजस्थान पुलिस में आज कांस्टेबल के लिए भर्ती परीक्षा चल रही है, जिससे लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नकल रोकने के लिए राजस्थान के जिला मुख्यालयों में 8 बजे से 5 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। सुरक्षा के इंतजाम इतने कड़े हैं कि जगह जगह पर नाकाबंदी कर दी गई है। अकेले जयपुर में आरएसी की छह कंपनियां तैनात की गई हैं। अभ्यर्थियों को चप्पल और हाफ बाजू की शर्ट पहनकर आने के लिए गाइडलाइंस भी जारी की गई है। करीब 14 लाख अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल, पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 के लिए बीकानेर में परीक्षार्थियों की रेलम पेल शुरू हो चुकी है। बीकानेर में 2 दिनों के भीतर तकरीबन 14,000 परीक्षार्थी अलग अलग जिलों से आएंगे, जो पुलिस कांस्टेबल्स की परीक्षा देंगे। 2 पारियों में परीक्षा होगी। आज पहले दिन ये 10 से 12 बजे तक परीक्षा होगी और उसके बाद में शाम को 3 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं बीकानेर का केंद्रीय विद्यालय एक सेंटर है और यहाँ पर जो सामने भीड़ लगी हुई है परीक्षार्थियों की, ये सुबह से ही लग चुकी है। 2 घंटे पहले से यहाँ पर परीक्षार्थी अपना प्रवेश जो है वो पाने लग चुके हैं। बगायता उनकी यहाँ पर चेकिंग करके भीतर जाने दिया जा रहा है। उनको शूज़ तक पहनने अलाउ नहीं है। सहयोगी धीरे से कहूँगा, वो दिखाएगा कि किस तरह से कई परीक्षार्थी जो है वो नंगे पैर भीतर जा रहे हैं। उनको यहाँ पर पूरी आस्तीन की शर्ट पहनना मनाही है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये पहले बता दी गई थी, परंतु फिर भी कई लोग ऐसे हैं जो परीक्षा भवन तक पूरी बाजू की शर्ट में पहुँचे, जूतों के साथ पहुंचे, कानों में ईयर रिंग्स डाल के पहुंचे। उनकी ईयर रिंग्स यहाँ पर हटवाए गए हैं, उनके शूज़ यहाँ पर खुलवाए गए हैं, उनकी फुल आस्तीन की शर्ट जो है वो यहाँ पर खुलवाई गई है। और ऐसा सभी परीक्षार्थियों के साथ किया जा रहा है, चाहे वो महिला परीक्षार्थी हो चाहे पुरुष परीक्षार्थी हो। तमाम तरह की जो चेकिंग है वो होने के बाद ही उन्हें भीतर प्रवेश दिया जा रहा है। सुबह से ही जिले भर के सभी जो सेंटर हैं, 25 सेंटर ऐसे बनाए गए हैं, वहाँ पर इस तरह की कतारें देखी जा सकती है, जहाँ पर परीक्षार्थी लगातार इस परीक्षा को देने से पहले जो फॉर्मेलिटीज़ है उन्हें पूरी करती हुई नज़र आ रहे हैं। देख सकते हैं आप, हाथ में अगर आपने कुछ बांध रखा है तो वो भी यहाँ पर खोलना पड़ेगा। किसी तरह का अतिरिक्त शरीर के ऊपर कुछ भी जो है चीज़ें वो नहीं ली जा सकती है। और फूंक फूंक के कदम जो है वो रखा जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी बेहतरीन व्यवस्था यहाँ पर की है। हथियारबंद जवान जो है वो तैनात किए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर। लगातार पुलिस अधिकारी गश्त कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। क्या परीक्षार्थी आएंगे, क्या क्या प्रोटोकॉल पालन करने पड़ेंगे उनको? उनके लिए बिल्कुल सब पहले से ही बताया गया है। उनके जो उनका प्रवेश पत्र है उस पर अच्छी तरह से लिखा हुआ है, साथ में लगातार न्यूज़ जो पेपर हैं अखबार उनमें अच्छी तरह से आ रहा है कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। उनके साथ कोई भी सामग्री नहीं हो सकती, मोबाइल नहीं हो सकता, कोई ब्लूटूथ इंटरनेट कुछ भी, मतलब बिल्कुल एकदम सादे सिंपल कपड़े में आएंगे और आराम से अपनी परीक्षा देंगे। तो बहरहाल परीक्षा शुरू हो चुकी है और ऐसे कड़े सुरक्षा बंदोबस्त में परीक्षा होगी। प्रदेश की बात करें, 15 लाख करीब परीक्षार्थी परीक्षा देंगे और पुलिस का ध्येय यही है कि शांतिपूर्ण तरीके से जिन छात्रों ने मेहनत की है वो कड़ी मेहनत से अपने परीक्षा दें और इस परीक्षा का नतीजा भी उनके लिए अच्छा आए। सहयोगी शेर सिंह के साथ दलित सिंह, न्यूज़18 जोधपुर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा से पहले उज्जैन के महाकाल पहुंचे हैं। आज से शिवराज सिंह चौहान 55 दिनों की आशीर्वाद यात्रा शुरू कर रहे हैं, जिसमें वो जनता के सामने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन से जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है। अमित शाह इसको हरी झंडी दिखाएंगे। बताएं कि जो रथ तैयार किया गया है वो 2.5 करोड़ का रथ है, उसी से आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 230 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और 55 दिन तक ये पूरी रथ यात्रा चलेगी, जिसमें 700 सभाएं भी करेंगे मुख्यमंत्री। और तमाम जो मंदिर हैं
राज्य के सब जगह मुख्यमंत्री जाएंगे, महाकाल में आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं और फिर इसके बाद अमित शाह हरी झंडी दिखाएंगे और इसके बाद नानखेड़ा स्टेडियम से इस रथ यात्रा की शुरुआत होगी। जो पहला चरण है इस जन आशीर्वाद यात्रा का वो 300 किलोमीटर का होगा, जिसमें 6 विधानसभाओं को कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने आदिवासियों पर दिए गए अपने बयान पर गलती मानी है। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि उनके बयान को गलत ढंग से पेश किया गया। हालांकि उन्होंने कहा है कि आदिवासियों को लोन लेने के लिए वो उत्साहित कर रहे थे। ओराम हैदराबाद में शुक्रवार को राष्ट्रीय जनजातीय उद्यमी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने लोगों से कहा था कि सिर्फ हार्ड वर्क मत करो, माल्य जैसे स्मार्ट वर्क। ये मेरा गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ। विजय माल्या का बदले में दूसरा किसी इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम लिया होता, टाटा बिरला का, तो अच्छा होता। ये डिफॉल्टर आदमी भगोड़ा का नाम लिया, मैंने ये गलती हुआ है। चलिए आपको सुनवाते हैं केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम का वो बयान जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। आपने विजय माल्या को स्मार्ट कहा है कि ही हैज इन्फ्लुएंस द बैंकर्स पॉलिटिशियंस गवर्नमेंट। वास्तव में ट्राइबल एंटरप्रेन्योर्स लोगों को एनकरेज करने के लिए मैंने विजय माल्या का नाम गलती से उदाहरण दिया, ये मेरा गलती हुआ है। और दूसरा कोई सक्सेसफुल बिजनेसमैन का अगर एग्जाम्पल दिया होता तो ठीक होता, इसके लिए मैं दुख प्रकट कर रहा हूँ। और मंत्री के बयान पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने विजय माल्या को बीजेपी का आदर्श बताया। भाजपा का एक मंत्री जिसके कार्यकाल में विजय माल्या भाग के गए, वैसी प्रेरणा दे रहा है कि बनो, यानी विजय माल्या अब भारतीय जनता पार्टी के आदर्श हो गए हैं, आइडियल हो गए हैं। चीन के सिचुआन प्रांत में बाढ़ की वजह से अलग थलग पड़ गए एक गांव में गांव के लोगों को राहत कर्मी रस्सी के सहारे निकालने लगे, जहां पिछले कुछ दिन से लगातार हो रही बारिश से कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए, जिसकी वजह से कई इलाके कट गए, जहां फंसे लोगों को निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान चलाया गया। सिचुआन का ये गांव पूरी तरह से पानी से घिर गया था। राहत कर्मियों ने वहां फंसे लोगों को निकालने के लिए रोप गन से उनकी तरफ रस्सी फेंकी। थोड़ी देर में एक राहत कर्मी भी ट्यूब के सहारे गांव वालों की तरफ पहुंच गया। इसके बाद गांव वालों को एक एक कर रस्सी के सहारे दूसरी तरफ पहुंचाया गया। सिचुआन के कई इलाकों में इससे भी बुरे हालात दिखे। रबर की नाव की मदद से राहत कर्मियों ने बहुत से लोगों को बाढ़ वाली जगह से बाहर निकाला। एक जगह पर खुद राहत कर्मियों की नाव भी सैलाब में फंस गई। इसके बाद रोप गन की मदद से उनके पास रस्सी फेंकी गई, जिसके बाद नाव को खींचकर किनारे तक लाया गया। और बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सोनल मानसिंह, राकेश सिन्हा, राम सकल और रघुनाथ महापात्र का नाम राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। राज्यसभा के लिए 4 लोगों का नाम मनोनीत किया गया है, राकेश सिन्हा, राम सकल, रघुनाथ महापात्र और सोनल मानसिंह राज्यसभा भेज जाएंगे। सोनल मानसिंह मशहूर भरतनाट्यम नृत्यांगना है। राकेश सिन्हा दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर है, आरएसएस के विचारक भी हैं और इसके अलावा राम सकल उत्तर प्रदेश में दलितों के नेता हैं, वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। पूर्वी दिल्ली और नोएडा से दक्षिणी दिल्ली और एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। सराय काले खान से जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को जोड़ने वाले बारापुला फ्लाईओवर के दूसरे फेज का काम पूरा हो गया है। बताया जा रहा है कि इस महीने के आखिर तक जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से आईएनए मार्केट को जोड़ने वाले बारापुला फ्लाईओवर के दूसरे हिस्से को यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। 2 किलोमीटर लंबे इस फ्लाईओवर के चालू हो जाने के बाद पूर्वी दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद से एम्स और सफदरजंग अस्पताल जाने वाले यात्रियों का समय बचेगा। बारापुला फ्लाईओवर के इस हिस्से का काम 2013 में शुरू हुआ था, जिसे बनाने में 513 करोड़ रुपए की लागत आई थी। यही नहीं, मयूर विहार फेज 1 से दक्षिणी दिल्ली को जोड़ने वाला बारापुला फ्लाईओवर के तीसरे फेज का काम भी तेजी से चल रहा है। इस तीसरे फेज के पूरा होने के बाद मयूर विहार से दक्षिणी दिल्ली पहुंचने में लगने वाला समय 15 से 20 मिनट कम हो जाएगा। पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग के स्कूलों में अध्यापकों को दी जाने वाली फेयरवेल और रिटायरमेंट पार्टी पर रोक लगा दी। दिल्ली के बदरपुर में एक सरकारी स्कूल में क्लास में सीट को लेकर हुए झगड़े के बाद कुछ छात्रों पर 7वीं क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के पर ब्लेड से हमला करने का आरोप लगा। यूपी के मुरादाबाद में एक परिवार ने आरोप लगाया कि लड़के वालों ने दहेज में गाड़ी न मिलने से खफा होकर शादी से एक दिन पहले बारात लाने से इनकार कर दिया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में तेज बारिश की वजह से बरसाती नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक से गायब रहने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी को निलंबित करने के आदेश दे दिए।
यूपी के बांदा में पुलिस ने ट्रकों से अवैध वसूली करने के आरोप में एक फर्जी आईपीएस अधिकारी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के झांसी में गाड़ी खड़ी करने को लेकर हुए विवाद में कुछ लोगों ने एक आदमी की पिटाई कर दी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में एक लड़के की हत्या के आरोप में पुलिस ने मारे गए लड़के की मां समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। श्रीलंका की एक अदालत ने समंदर में मछली पकड़ने के दौरान पकड़े गए 16 भारतीय मछुआरों को छोड़ने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पॉलीथीन के इस्तेमाल पर कड़ा जुर्माना लगाने की तैयारी में है। हिंदी अखबार हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार इसके लिए संशोधित अध्यादेश लाने वाली है, जिसका मसौदा तैयार करने का जिम्मा नगर विकास विभाग को सौंपा गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाबंदी लगने के बाद यूपी में पॉलीथीन बनाने या बेचने पर 1,00,000 रुपए तक का जुर्माना और 1 साल की सजा हो सकती है। अभी तक के कानून के मुताबिक पहली बार पकड़े जाने पर 5,000 रुपए का जुर्माना और 1 महीने की सजा होती थी, जबकि दूसरी बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की सजा का प्रावधान था। नए नियमों के तहत अब राज्य में पॉलीथीन बेचने या बनाने के आरोप में पकड़े जाने पर जिलाधिकारी से लेकर दारोगा मौके पर ही जुर्माना वसूल सकेंगे। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई से शुरू हो रहे मानसून सत्र के दौरान योगी सरकार संशोधित अध्यादेश को विधानसभा में पेश कर सकती है। जानकारी के मुताबिक यूपी में फिलहाल पॉलीथीन बनाने की 500 से ज्यादा अवैध फैक्ट्रियां हैं, जिनका कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक है।